शिव बालक। शिव बालक जी, ये बतावा तुम्हारे जैसे ये अभी जो करेला का जो करा था तो कौन सा वेराइटी है? ये ननहैन कंपनी का है, यूएस का, यूएस 13-15। हाँ, और ये मैं जानना चाहता हूँ ये तुम्हारे जैसे कितना एरिया में यह लगल है करेला का जो? 2 एकड़ 30 डिसमिल में है। 2 एकड़ 30 डिसमिल में, और जैसे सब में मतलब ड्रिप है? पूरा में ड्रिप लगा है। और कितना पौधा लगल है इसमें? लगा है 7,000 लगा है नर्सरी प्लांटेशन वाला, और उसको प्लांटेशन किए हैं, और 1,000 सीड लगा है, वो बिया लगा है जमीन में। और एक बार जैसे अभी पानी कितना कितना दिन में देना पड़ता है? पानी अभी 1-1 दिन के अंतराल में दे रहा हूँ। 1-1 दिन के अंतराल में? और अभी मतलब इसमें का खाद डाली हो जैसे? अभी इसमें ऑर्गेनिक डालना है कुछ, या वो केमिकल भी डालना है, दोनों में मिक्स करना है, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक में एक ही बार हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे ना, इसलिए दोनों का हम मतलब मिक्स करके मिक्स करके यूज करेंगे। और जैसे मैं मतलब मचान इसमें इसमें अभी लगाए हैं डीएपी है, राखड़ यूरिया है, सल्फर है, गोबर है, इसमें बस बेड बनाते समय उसको डाले हैं, इसके बाद फिर वो ड्रिप पाइप बिछाए हैं, इसके बाद ही प्लांटेशन किए हैं। और जैसे में मतलब 8,000 कुछ पौधा है ना, तो कितना अनुमानित लगा है कि एक पौधा से हम मतलब हमके फसल करेला मिल जाना चाहिए? मेरा अनुमानित है कि एक पौधा में लगभग 2 या 2.5 या 3 किलो एक पौधा में टारगेट बनाए हैं हम। हाँ, मिल जाए। और जैसे अगर ये लग वर्टिकल जो मचान बनी तुम्हार, तो कितना मतलब लग जाए, जैसे 1 एकड़ में कितना मतलब खंभा लग जाए, कितना पोल लग जाए, या कितना धागा लग जाए, खर्चा कितना अनुमानित हो जाए? खर्चा 10,000 आसपास लमसम लग जाएगा। खर्चा है ना, बास तो खुद अपने का है पिछले साल। और पिछले बार ऐसे ही खेती कर रहा कि? हाँ, पिछले साल भी ऐसे ही किए थे। तुम्हें का बेनिफिट मिल, मतलब कितना खर्चा लग जाते इतना जो एक जो 2 एकड़ जो 80 डिसमिल जो बताया? देखिए, अब इसमें हम लोग का 60-70 हज़ार पहुँच जाएगा। और उत्पादन होने के बाद कितना हो जाते फायदा? उत्पादन के लिए अब देखिए क्या होता है कि रेट के ऊपर डिपेंड करता है, रेट बढ़िया मिल जाता है तो बढ़िया मिल जाता है रेट। और भाई अभी तो 10 तक भी आ जाता है। तो बहुत अच्छा खेती कर रहा था ऐसे ही, और किसान भाई मतलब करना चाहिए है ना? करना चाहिए। अब मैं तुमके ये सवाल पूछा था है ना, कि जैसे ड्रिप इरिगेशन करे से मतलब पानी सिंचाई दिया था जैसे ड्रिप से, तो और ड्रिप से का बेनिफिट है, और बिना ड्रिप का जो किसान मतलब सिंचाई करते हमें का बेनिफिट है? ड्रिप से पानी का बचत हो जाल, और इसे जैसे परंपरागत विधि से नाली से सिंचाई करने से खरपतवार भी ज़्यादा उगल। हाँ, तुम्हें ये बेनिफिट है कि ड्रिप से पानी का मतलब बर्बादी नहीं हो, पानी का बर्बाद नहीं हो इसमें, और पानी मतलब सही जगह पौधा का जड़ में जाए, और खाद भी जाना है तो भी फर्टिलाइजर भी दिया तो पूरा पौधा खींच ले, और जैसे इन्हें खरपतवार नहीं हुआ है ना? ठीक है, यही बहुत बहुत धन्यवाद है ना, बहुत अच्छा खेती करा था।